हेलो भाई, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए यूके नए ब्लॉग में। तो अभी देख सकते हो कितने बजे, 10:30 हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा लेट आए, बहुत ज़्यादा लेट आए। तो सबसे पहले हम हमारा काम कर लेते, जैसे ब्लॉग एडिट कर लेते, एडिट करने गए, बाकी रखे हुए कल पूरा दिन रेंडरिंग पे रखा था, तो वो हिसाब से जो बाकी था पहले वो कर लेते। इसके बाद हमें जाना है सैलून में, क्योंकि आज हो गए 25वां रोज, तो इसके बाद जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो हिसाब से जैसे ही एडिटिंग पड़ जाएगी मैं चला जाऊँगा सैलून में। ना आज जुम्मा भी है, लास्ट जुम्मा है रमज़ान का, तो बस अभी फटाफट से हम एडिट करें। ठीक है, हेलो गाइस, देख सकते हो कि ब्लॉग बनना स्टार्ट हो चुका है, जो करीब 1 घंटे में बन जाएगा। और ये भी देखो कितने बजे, 11:30 बज चुके हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सैलून में चला जाऊँ, क्योंकि आज हो गया 25वां रोज़ा, तो अभी चले जाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी जुम्मा भी है, तो कुरान भी पढ़ने का, मुझे कुरान का सिर्फ 3 ही पढ़े बाकी, मतलब 3 तो मैं एक दिन में पूरा कर लूँगा, तो उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि कल का लास्ट डे है कुरान का भी। तो पहले अभी सैलून में चले जाते, फ्रेश हो जाते, फिर इसके बाद जैसे ये हो जाएगा फिर हम अपलोड कर देंगे, फिर जुम्मा पढ़ेंगे, फिर बस इतना ही। तो मिलते बाकी, ठीक है, सीधा सैलून में मिलते। देखो यहाँ पे हर बार मैं अपने बाल कटवाता हूँ, तो अभी भी देखो यहाँ से बाल कटवा लेते। बाल तो हमने कटवा लिए, अब जाते सीधा तैयार हो जाते, क्योंकि सॉरी नाम अभी फ्रेश हो, क्योंकि जुम्मा पढ़ने जाना है, तो वही हिसाब से जल्दी से। देखो ये हमारा कल का व्लॉग जो था बन चुका है, अब मैं सीधा से अपलोड ही कर देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। पर अभी बच चुके हैं, देखो 12:40 जुम्मा का टाइम भी अभी हो जाएगा जस्ट, तो अभी फ्रेश हो जाता हूँ। हेलो गाइस, अभी जस्ट घर आया हूँ नमाज़ पढ़ के, और हमारा हो चुका है व्लॉग अपलोड, और अभी बच चुके हैं कितने हुए, डेढ़ हो गया। अब बस इतना ही, अब हम सो जाएंगे आराम से, 11:30 का टाइम पर उठेंगे। आज तो बहुत थक गया, क्योंकि सुबह से सोया ही नहीं आज। सुहाना के पास मोबाइल है? हाँ, मेरे पास ये भी नहीं। मम्मी कब? मेरे पास था लाइट बंद करे, कैसी पड़ी? हेलो गाइस, अभी अभी जस्ट उठा हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। अभी देखो कितने बज चुके हैं, 6:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, बस कुछ ही देर बाकी है, 20 से 25 मिनट बाकी है इफ्तारी को, और देखते हैं क्या क्या बना रहा है। क्या क्या बन रहा है? ये कटले से 65 है, ये कहाँ से? बाजू में से, सामने से 65। फिर वो कटले वो लगभग दो चीज है, ये दो चीज। हाँ, एक कीमे की पेटी से कहाँ है? ये नहीं कीमे की, हाँ तो ये दो चीज हुई ना, तो 65 तीन चीज हुई ना, फिर तो तीन चीज कम है ना, तो फिर ये, फिर अपना ये देखो, ये होले ये आलू के भजिए बना ले, बस इतना ही है। हाँ। बहुत कम ही आज का। फिर कौन सा बनाने का आज? खजूर का तेरा। खोल। आज खजूर का जूस। चल ले पकड़। सकता ना कि बिल्ले? खुद डाला नहीं मैंने। तो कर दो ना। हाँ डाल इसमें से। कितने खजूर ना? 4। 4? तो कितने लोगों के लिए बनाया? हमारे लिए, मेरे अकेले के लिए। हाँ। वो कम ना किया थे? नहीं बराबर है, क्या नहीं बराबर नहीं, खजूर कम शक्कर कम डाल दिया, 4 इंच डाल दिया, पहले इसको खा पी ले कर ले। वो चालू है? नहीं। हैं? नहीं निकाले। बोले बिजली निकाले कि निकाले? नहीं निकाले।
ऐसी खड़खड़ खड़खड़ खजूर की क्या ये मशीन खराब है तेरा नाम थोड़ा कुछ नाखना पड़ेगा साइड पे सब चौड़ी आ रही है अभी नाचे दूध कल जैसा सीन मत करियो हाँ दूध फटा हाँ ना तो है दूध फटा ना तो फिर पानी छूट जाएगा बेटा वो तो गया है ऐसा कैसे आता हमको तोड़ गया ग्लास में निकाल के रखे क्या ग्लास में रखने का ये सु क्या करना है जो बचा वो निकाले जब से निकाले निकाले खाने का निकाल लो खाने की चीज होती है ये बड़ा पिघाला नहीं है इसमें पूरा जाल लेने का बेटा ये बड़ा जाल लिए ला पूरे बेटा तो काय के तुमने बड़ा लिया फिर मैं खजूर भिगो कर रखने की खजूर भिगो ही नहीं थी चलो देखिए घास से आलू का भजिया दोनों कटले दोनों सेम ही है ना नहीं अलग अलग ये अलग है ये घीमे की वो आलू की है वो बाजू में से है वो भी बाजू में से है वो 65 है तरबूज नहीं सब है ना अपना एक चीज बाकी है क्या ये बर्फ है तो मैं वो निकाल लेगा अम्मी खजूर का ये वो देखो तरबूज का ये बन रहा है लेगा ये क्या लेगा है बता आइसक्रीम तो खेलता है इससे तो ले लिया तूने और ये आइसक्रीम दो बोलो भाई एक मेरी क्या पानी पी ले क्या है खा ले पिज्जा बेटा पिज्जा लेकर भूखी को भूख लग गई बहुत भूख लग गई चटनी ये सॉस निकाल जल्दी ये दो कौन सा ये तंदूरी देख के पहचान गए ले खोले इसको तारी वाइट वाइट वेनिला आइसक्रीम मेरी है ना मेरी मेरी तेरी वो डब्बे में क्या ये क्या खबर अब बोल ये बर्गर है ओ बर्गर तुझे खाना है बर्गर तो हिच का क्या खबर उसके अंदर मेरे को भूख लगी नहीं ला नरम हो गया पूरा कुछ नहीं अंदर देख ले भले ही सही से नहीं लेगा बाबा वो खाना सुना देना तेरा देख यहाँ पे ना लांडर किसान बोल ले लांडर किसान बोल ले ठंडा पानी अच्छी है थोड़ा पुरी की अब मैं ने डोनट खाऊंगा दो अब ये खाओ पिज्जा ये असली का पिज्जा है ना असली का अब क्या खाओ दो दो चार दे अब क्या खाओ क्या खाओ अब तो मार खा हम तो मार खा अब क्या खाओ पिज्जा कल आप फ्रेश होके नाम आगे सब लोग खा के क्या ये स्टेटस बैग एंड गिफ्ट किसका है मतलब क्या है कौन सा बैग पैकेट अच्छा बैग हुआ ये देखो ऐसा बर्गर ये अम्मी ने अभी बैग लेकर आई है इनका ये पैकेट नहीं ये अब्बा की शॉपिंग करके आए अब्बा के लाने के बाकी थे कपड़े तो वो हिसाब से कपड़े लेकर आए टी शर्ट अच्छी है और ये क्या है ये क्या
आँख बंद कर दो, कर दे। नहीं आँख, हाथ नहीं। आँख बंद कर दी बस। हाँ। ये देखो अब आँख खोल दो। खोल दिया हाँ। अब क्या देखो? ये देखो। ओ दादी का बैग ना हुआ? ब्लैक। ब्लैक ओके। और फिर सारा सामान। 3400 की ये हाँ 2400 की MRP है तो कम से कम ये 1200 रुपए का 500 रुपए 700 रुपए का इनका झूठ देख लो। दादी का फोन ले जा। कितने का है? दादी का फोन ले जा। अभी पेटीएम दिखाएगी नहीं ये लोग आधे कैश दिए आधे पेटीएम करेगा यूँ सब जानता हूँ मैं लोगों को। 2400 की MRP है ना हुई के 1200-1400 रुपए का। तो बस आज का ब्लॉग में इतना ही जो सब रिकॉर्ड करा मैंने अभी आबन आया अभी आबन में थोड़ा मस्ती करूँगा खेलूँगा और अभी कैरी की स्ट्रीम देख रहा हूँ ठीक है। तो ये पटने के बाद मैं थोड़ा एडिटिंग करने बैठूँगा आज का ब्लॉग की। तो बस आप लोग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो और मिलते हैं कल नए दिन के नए ब्लॉग में। बाय बाय सी यू सून।